हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9 कीपिंग शेप इन दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो में हम आपको लेसन 9 का सभी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे और उसे फिल कराएंगे। तो आप जो है बुक्स, पेंसिल, रेजर लेकर बैठ जाइए और उसके बाद वीडियो को बिल्कुल स्लोली मोशन में आप सुनिएगा, समझिएगा और फिल करते चलिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप बुक लेकर बैठेंगे तभी आपके सारे कंप्लीट हो पाएंगे और बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्क कंप्लीट रहेगा। तो बुक आप पहले ले लीजिए, बुक, पेंसिल, रेजर। अब हम वीडियो को स्टार्ट करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, फर्स्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं और जो राइट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। वी विल बी सेफ इफ वी आर, वी विल बी सेफ इफ वी आर। हम सेफ होंगे यदि हम वी आर, हम कैसे मतलब किस कंडीशन में हो कि हम सेफ होंगे? केयरफुल, केयरलेस, इन अटेंटिव, ठीक है? देखिए, केयरफुल मतलब सावधान होना, यानी सही कह रहा है कि अगर हम सावधान रहेंगे तो हम बिल्कुल भी सेफ रहेंगे, ठीक है ना। केयरलेस लापरवाह होंगे तो क्या सेफ होंगे? कभी नहीं। इन अटेंटिव ये भी एक लापरवाह, असावधान, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम केयरफुल होने पर भी सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो वी विल बी सेफ इन इफ वी आर केयरफुल, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट, इस पर टिक कर लीजिए। नंबर सेकेंड, वी शुड नॉट प्ले विथ, तो हमें नहीं खेलना चाहिए। किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? देखिए, तीन ऑप्शन दिया है। फ्रेंड, ये फ्रेंड के साथ तो खेलना चाहिए, ये सही है। ट्वाइस, इसके भी साथ। किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? सार्व थिंग के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन इज राइट। नंबर थर्ड, क्रॉस द रोड एट द, या पहले भी जानते हैं कि हम जब रोड को क्रॉस करते हैं तो किस पर करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसमें आपका जेब्रा क्रॉसिंग इज राइट। नंबर फोर, द येलो लाइट सेज गो स्टॉप एंड वेट। येलो लाइट हमको वेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, यानी कि येलो लाइट हमें कहता है कि आप वेट कीजिए। स्टॉप, आप जानते हैं स्टॉप आपका रेड लाइट, और जो गो होता है वो आपका ग्रीन लाइट होता है। नेक्स्ट, द ग्रीन लाइट से गो, ये आपका फिफ्थ वाला ऑप्शन होगा। द ग्रीन लाइट से गो, जो ग्रीन लाइट होता है वो हमें जाने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके आपका टिक द करेक्ट ए कंप्लीट हो गया। इसे आप बुक में सारा अच्छे से फिल कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ नंबर बी। बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। देखिए, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है वो एक आपको इंडिकेटर के रूप में बॉक्स में दे दिया है कि आपको इसी में से सेलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे फिल भी करेंगे। आप भी समझिएगा उसे और आप भी कोशिश करिएगा फिल आउट करने का। डू नॉट प्ले विथ, इसको मैंने पहले भी आपको किया है। डू नॉट प्ले विथ शॉर्पनर, फायर, ये सब चीज़ें होते हैं, शार्प थिंग, फायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका, फायर। तो आपका पहला ऑप्शन हो क्या होगा? फायर। तो फायर आप इसमें फिल कर लीजिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, फर्स्ट में क्या फिल होगा? फायर। नंबर सेकेंड, डू नॉट जंप ऑन डेक्स, ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको स्टडी कराते वक्त। तो डू नॉट जंप ऑन डेक्स, डेक्स आपका नंबर सेकेंड हो जाएगा, डेक्स फिल कीजिए। नंबर थ्री, ऑलवेज यूज ए शॉर्पनर टू शॉर्पन पेंसिल, यानी पेंसिल को मुझे शार्पन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? शॉर्पनर का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज ए शॉर्पनर टू शॉर्पन पेंसिल, आपका थर्ड में शार्पनर होगा, ओके। यानी जब हमें पेंसिल शार्प करना होता है तो हम शॉर्पनर यूज करते हैं, ब्लेड तो बिल्कुल भी नहीं यूज करते, ठीक है ना। ब्लेड आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर फोर, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना ट्रैफिक सिग्नल, तो आपका ट्रैफिक सिग्नल होगा, ठीक है ना। हमें जो है ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना चाहिए। द रेड लाइट से, आप जानते हो रेड लाइट किसको इंडिकेट करता है? स्टॉप को, स्टॉप फिल कर देंगे। इस तरीके आपका बी क्लियर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं चलता हूँ सी की तरफ। सी देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स इसमें फिल करना है, ठीक है ना। यानी ट्रू और फॉल्स बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू के लिए है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स के लिए है। तो जब मैं इसे रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आप क्लियर कर लोगे कि इसमें ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए। चलिए नंबर वन पे आते हैं। वी शुड टच इलेक्ट्रिक स्विच,
हमें इलेक्ट्रिक स्विच को टच करना चाहिए, कह रहा है। अब वो भी कैसे, विथ वेट हैंड, गीले हाथों से टच करना चाहिए। क्या ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया था? नहीं ना, यानी कि गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, फाल्स हो गया। ओके, नंबर टू, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रूफ अलोन, वी शुड नॉट, हमें जो है छत पर अकेले नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें छत पर अकेले नहीं खेलना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपके ट्रू के लिए है, देखिए ट्रू। ओके, नंबर थर्ड, वी शुड नॉट पुश एनीवन, हमें किसी दूसरे को, किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, ढकेलना नहीं चाहिए। जैसे आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, नहीं धक्का देना चाहिए, वो गिर सकता है, ठीक है, उसे चोट लग सकता है। तो इसलिए वी शुड नॉट पुश एनीवन, तो ये ट्रू के लिए है। नंबर फोर, ऑलवेज जंप ऑन डेस्क ऑन और चेयर, ऑलवेज, क्या हमें हमेशा जो है डेस्क और चेयर पे जंप करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा होगा, फाल्स होगा। ऑलवेज जंप ऑन डेस्क और चेयर, फाल्स, क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए डेस्क पे चेयर पे। नंबर फाइव, जेब्रा क्रॉसिंग डज नॉट हेल्प अस टू क्रॉस द रोड सेफ्टी, जेब्रा क्रॉसिंग डज नॉट लगा दिया, देखिए डज नॉट, ये फाल्स के लिए लगा दिया है, ठीक है ना। तो जेब्रा क्रॉसिंग डज नॉट हेल्प अस टू क्रॉस द रोड सेफ्टी, ये फाल्स होगा, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग तो हमारी हेल्प करता है रोड को क्रॉस करने के लिए, यहाँ डज नॉट लगा दिया है, कह रहा वो नहीं करता है, जबकि करता है वो, ठीक है ना। ये आपका फाल्स स्टेटमेंट। अब लास्ट नंबर पे आते हैं, डी, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अब मैचिंग में चलिए देखते हैं क्या है। मैचिंग तो आपको बहुत सिंपल दिया है, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, आप तुरंत देख के भी कर लोगे। रेड लाइट किसको इंडिकेट करता है, स्टॉप को, स्टॉप पे ले जाइए। फुटपाथ, फुटपाथ जो होता है वो हमारे टहलने के लिए होता है, हम फुटपाथ से पर टहलते हैं, बीच रोड से नहीं, तो वॉक हो जाएगा। जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड के लिए होता है, ठीक है। ग्रीन लाइट गो के लिए होता है, येलो लाइट वेट के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके आपका सारा एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में, और आप सभी एक्सरसाइज को वन बाय वन सुनिएगा और बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।